हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नरेंद्र साइकिल ब्लॉग का आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा सेकंड डे स्टार्ट हो गया है, तो आज हम फिलहाल रुके हैं दादनपुर, एक गाँव है जज्जर के पास। वहाँ पे तो एक भाई ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी रुकने की, तो अभी रुके हुए उसके घर पे। नाइट में हमने डिनर भी वहीं किया था। अब सुबह पहले ब्रेकफास्ट या फिर खाना खा के यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ, सोनीपत की तरफ। तो बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे बस मौसम ख़राब है, रुकने की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा फील आता है। तो अभी खाना आता है, खाना खाते हैं, उसके बाद आगे की तरफ अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। तो आप वीडियो में जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करते रहें ताकि लोगों को तक वीडियो पहुंच जाए और मुझे हेल्प मिले रुकने की। थैंक यू। तो भाई ब्रेकफास्ट नहीं, अपना खाना आ चुका है, रोटी सब्जी छाछ, तो अच्छे से खा के और फिर आगे की तरफ निकलेंगे। घर जैसा खाना मिल रहा है और क्या ही जिए, इतना प्यार सपोर्ट मिल रहा है लोगों से, तो क्या ही बोलूँ। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे है। कमेंट में जय महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे की तरफ निकलते हैं। तो फ्रेंड अभी फाइनली बारिश आई थी, बारिश के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, पसीने आप देख रहे हो, काफ़ी लगातार पसीने आ रहे हैं, साइकिलिंग हो ही नहीं पा रही है प्रॉपरली। और हमने बारिश के बचाव के लिए एक बस स्टॉप है हरियाणा में, यहाँ पर छोटे छोटे बस स्टॉप बने हुए हैं, तो इस गाँव का नाम भी हम आपको भी दिखाएँगे और अपने साइकिल भी अंदर खड़ी कर ली ताकि बारिश से ना भीग जाए। बस स्टॉप का नाम है छारा, जो कि जज्जर से सोनीपत वाले हाईवे के ऊपर है और वही फ्लाईओवर के पास। तो यहाँ पे हमने अपनी साइकिल खड़ी कर दी ताकि बारिश आएगी तो भीगे नहीं। बारिश रुक गई है तो वापस से अब चलेंगे आगे सोनीपत की तरफ। और अपने पोलोथीन ले रखी है, अभी तक कोई काम में नहीं आई, इस पर भी देखो बारिश की बूंदी अभी भी लगी हुई है। तो आगे केदारनाथ में बहुत काम आने वाली है, पोलोथीन पूरी साइकिल कवर करेगी। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें। जय महादेव, हर हर महादेव। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सापला, और अब सापला से सोनीपत रह गया है 20 किलोमीटर के आसपास। तो दोपहर हो गई, हमने साइकिल लगा लिए और अपनी ये पोलोथीन जो ली थी बारिश से भीगने के लिए, आज ये हमारे बिछा के सोने के काम में आ रही है। और बहुत ही अच्छा शीशम का पेड़ है ऊपर की तरफ, अच्छी गहरी छाया है, अच्छी हवा चल रही है, नेचुरल हवा, कूलर पंखे छोड़ के आए हैं तो नेचुरल लाइफ जीने का मज़ा लेके जाएंगे यहाँ से। तो शाम को देखो कहाँ पे पहुँचते हैं, तो ब्लॉग्स में जुड़े रहे और प्यार सपोर्ट करते रहे। अभी मैं 2 घंटे आराम करूँगा, 1:30 बजे तक, उसके बाद उठ के आपको अपडेट देता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ सोने, बाय।